हेलो भाई, सनील सर के साइट या यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। एनसीएल जो कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि कोल इंडिया के अंतर्गत आती है और एक मिनी रत्न कंपनी और भारत सरकार की अंडरटेकिंग में, मतलब भारत सरकार की है। तो चलिए इसके बारे में देखेंगे। अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आई है, तो इसी के साथ अगर अनिल साइट या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट आपके पाने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस है, किस तरह सेलेक्शन हुआ, सभी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अंत तक बने रहिए, देखते रहिए यूट्यूब चैनल। ये नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं 4 जून को आया हुआ है। फॉर्म जो कि यूपी के संस्थान में जो पढ़ रहे होंगे और मध्य प्रदेश के संस्थान में जो पढ़ रहे हैं वही आईटीआई कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, बाकी अदर स्टेट के एलिजिबल नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं सिंगरौली जो कि सिंगरौली का है, मध्य प्रदेश में है। इसमें 4 ट्रेड की वैकेंसी आउट हुई है जो कि वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और मोटर मैकेनिक। वेल्डर के टोटल 100 सीटें हैं और इलेक्ट्रिशियन के 500 सीटें हैं और 400, और फीटर के लिए 800 सीट है और मोटर मैकेनिक का 100। टोटल मिला के 1500 सीटों पर अप्रेंटिस निकल कर आई हुई है। टोटल जो अप्रेंटिस का जो ड्यूरेशन है 1 साल का होगा, 1 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। 1 साल के बाद आपको नहीं रखा जाएगा, 1 साल के जैसे कम्प्लीट होगा आपको निकाल दिया जाएगा। तो और आगे देखेंगे तो इसमें वेल्डर की जो योग्यता है, वेल्डर के लिए 8वीं पास आईटीआई होना चाहिए और एनसीबीटी एससीबीटी पास आउट होना चाहिए, लेकिन आईटीआई होना चाहिए यूपी और एमपी में। और इलेक्ट्रिशियन के लिए 10वीं और आईटीआई पास होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। एनसीबीटी हो या एससीबीटी कोई भी चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आईटीआई होना चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। फीटर के लिए 10वीं और आईटीआई पास कैंडिडेट वही एलिजिबल है, एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों में से कोई भी हो उसके लिए एलिजिबल है। और केवल यूपी और एमपी के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आप बिहार में भी हैं लेकिन एमपी के आईटीआई से पढ़े हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप एमपी के हैं बिहार के आईटीआई से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एलिजिबल नहीं है। इस तरह से मोटर मैकेनिक के लिए 10वीं पास आईटीआई होना चाहिए और मोटर मैकेनिक पास होना चाहिए, एनसीबीटी होना चाहिए, एससीबीटी दोनों में से कोई भी, लेकिन केवल यूपी और एमपी में स्थित होना चाहिए आईटीआई। आपका जो एज होना चाहिए, कोई भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए 36 के पहले का होना चाहिए। 36 के बाद का कोई क्वालिफिकेशन अगर आता है, मार्कशीट आता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपका जो एज होना चाहिए, 16 से लेकर 24 साल के उम्र के कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एससी एसटी हैं तो 29 साल के एज के हैं तब पर ये इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो 27 साल की उम्र तक आपके लिए एलिजिबल है। अगर आप किसी प्रकार डिसेबल पर्सन है तो 10 साल तक छूट मिल जाता है, यानी 34 साल तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि apprenticeshipindia.org पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद nclscl.in पर जाके आवेदन करना होगा, ठीक है। तो अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, आवेदन स्टार्ट होगा आपका 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 10 तारीख से स्टार्ट होगा और 9-7 तक चलेगा। तो अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जैसे ही भराएगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो कोई भी दिक्कत आया तो इस नंबर पर कॉल करके इस ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल करने का टाइमिंग जो है 11 से 4 बजे तक का होगा और बस इतना ही है। आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना मैट्रिक का मार्कशीट, आईटीआई का मार्कशीट ले लेना होगा और अपना सिग्नेचर ले लीजिएगा, अपने पिताजी का सिग्नेचर ले लीजिएगा, अपना फोटो ले लीजिएगा जो 6 महीने के अंदर का फोटो होगा, और साथ ही हस्ताक्षर ले लिया, माता पिता का हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर और 8वीं जन्म प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र यानी कि 8वीं मैट्रिक का कोई मार्कशीट होगा उस वो ले लीजिएगा, और पैन कार्ड ले लिया, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र ले लिया। जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है, और बैंक का पासबुक ले लीजिएगा। आवेदन 2 तरह से होगा, पहले तो आपको apprenticeindia.org पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं वहाँ से जाके, और ये नंबर आपको ये अपॉर्चुनिटी में डाल देना होगा और इसको सर्च कर लीजिएगा। फिर दूसरा चरण जो है NCLSCIL पे जाके आपको क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन का लिंक अभी आया नहीं है तो यहाँ पे जाए फॉर्म अप्लाई करना होगा, तो यहाँ से होगा, 2 चरण में होगा। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या क्या करना है। तो आप अगर एलिजिबल होते हैं जरूर अप्लाई कीजिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस तरह लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे।